खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां अतरौलिया क्षेत्र में हुई सनसनीखेज चोरी की वारदात में पुलिस चोरों का कोई सुराग नहीं लगा सकी। वहीं चोरों ने अपने अंदाज में लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। क्षेत्र के बनवारी पट्टी गांव में फिर दो घरों को अपना निशाना बनाया और पुलिस को खुली चुनौती दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आदेश में कहा था, जनता घरों में अब चैन की नींद सोएगी, मेरी पुलिस उनकी रखवाली करेगी, लेकिन इस आदेश का अब कोई मतलब नहीं। थाना क्षेत्र के गणपतपुर बिशोलिया गांव में चोरों ने बुलंद हौसले से भयभीत होकर एक ही रात्रि में अलग अलग के दो घरों में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला। वहीं दूसरी रात को बनवारी पट्टी गांव में दो घरों को निशाना बनाकर लाखों की चोरी को अंजाम दिया। चोरों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि घरों में सो रहे लोगों का कमरा बाहर से कुंडे लगाकर बंद कर दिया। बड़े इत्मीनान से रोडवेज के लिपिक शेषनाथ मिश्रा व चक्र भुवन मिश्रा के घर में रखे लोहे की अलमारी का लॉक तोड़ करके नकदी एवं लाखों के सोने का आभूषण लेकर फरार हो गए। घटना से पुलिस उभर भी नहीं पाई। क्षेत्र के बनवारी पट्टी गाँव में इंद्रजीत यादव पुत्र राम सम्हारे कल्पनाथ यादव पुत्र लालचंद के घर में पीछे के रास्ते घर में घुसकर चोरों ने नकदी समेत लाखों रुपए के गहने चुरा लिए। परिजनों द्वारा स्थानीय थाने पर सूचना दी गई। मौके पर थाना प्रभारी प्रमेंद्र कुमार सिंह फॉरेंसिक डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची, छानबीन में जुटी। पीड़ित इंद्रजीत यादव ने बताया, पीछे के रास्ते चोर घर में घुस गए, 5 लाख के जेवरात 25,000 नकदी चोरी की। कल्पनाथ यादव ने बताया कि अज्ञात चोर द्वारा 1 बजे से 2 बजे के बीच में 4.5 लाख रुपए के गहने 70,000 नकदी हुई चोरी, जिसकी पीड़ित द्वारा स्थानीय थाने पर तहरीर दी गई। कल्पनाथ यादव बनवारी पट्टी, क्या मामला हुआ आपके घर में, कैसे चोरी हुई है? चोरी हुई अब बाहर से, कहां से लोग आए पीछे से जो है चढ़ के जो है जीना के द्वारा जो अंदर घुस गए। उसके बाद हम लोगों को कुछ आभास हुआ कि हमारे यहाँ कुछ जैसे जानकारी, लेकिन हम इतना नहीं जान पाए कि इस तरह की कोई हमारे साथ घटना हो जाए। तो ये लगभग कितने लोग रहे होंगे? कुछ अभी लोग कम से कम तो 8 लोग 7 लोग से कम तो रहे नहीं होंगे, क्योंकि गांव में 2 जगह चोरियां हुई। अच्छा, 2 गोल थी। अच्छा, हाँ, आपको जानकारी नहीं हो पाई कि मतलब कब आए कब गए? हाँ नहीं, 12, 1, 1, 2 के बीच की घटना होगी। लगभग कितने का सामान आपका गायब हुआ होगा आपके घर से? अब मान लीजिए कि गहना वहना 4.5 लाख का गहना रहा होगा, 70,000 रुपया नकदी रही। अच्छा, इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? हाँ, पुलिस को दी थी। तो पुलिस आई थी? हाँ, मौके पर आई थी। तो अभी तक कोई जानकारी नहीं निकल पाई? नहीं नहीं, कोई जानकारी नहीं। इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही हैं, मतलब अतरौलिया थाना क्षेत्र में कई जगह। हाँ, कई जगह हो गई। तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग? अब इसको हम यही कहना चाहेंगे, इसका जो है जल्द से जल्द जो पर्दाफाश हो, और नहीं तो हम लोग इसके लिए अलग से कानूनी कार्रवाई, अलग से व्यवस्था हम लोग करेंगे। चंद्रजीत यादव कहाँ के रहने वाले हैं? ये अतरौलिया बनवारी पट्टी गाँव आजमगढ़। क्या मामला हुआ आपके घर में? मामला ये हुआ है कि हम लोग रात को सोए हुए थे, बाहर से अब ऊपर से छत के ऊपर से आकर के सारे माल को उठा ले गए। मतलब चोरी की घटना हुई? चोरी की घटना हुई यहाँ। तो ये लगभग कितने बजे की है? ये 12 और 3 के बीच की ये घटना है। हाँ, लगभग कितने का सामान आपके यहाँ से गायब हुआ होगा? हमारा सामान 5 लाख के लगभग का गया है। और नकदी 25,000 रुपया। ये चोरी की घटना में आपके मतलब कितने लोगों का गहना चोरी हुआ है लगभग? इसमें 3 लोगों का हुआ है। तीन का, चार लोगों का हुआ है। थाने पर इसकी सूचना दी? थाने पर सूचना दिए थे, उस पर थाने से आए थे लोग, लिख करके गए हैं। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक।